हेलो फ्रेंड्स, आज हनीमून डे है। इस हनीमून डे को आजकल हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे भी कहने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे के अवसर पर शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। कामना करता हूँ कि होम्योपैथ दोनों प्रगति के राह पर आगे बढ़ें, नई नई ऊंचाइयां छुएं और मानवता के लिए वो करें जिसको लोग चाहते हैं कि उनके लिए हो। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे या कोई भी दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, केवल ये नहीं कि हाँ हम लोग बैठ गए आपस में कुछ चर्चाएं कर ली, महात्मा हनीमून को श्रद्धांजलि दे दी, पुष्प अर्पित कर दिए, आपस में एक दूसरे को कुछ उपहार दे दिए, ये काफी नहीं है। ये दिन है जब हमें खुद को और ओवरऑल सिस्टम को एक बैलेंस शीट की तरह इवेलुएट किया जाए। सोच के देखो, क्या हम पिछले एक साल में इवॉल्व हुए हैं? हमने क्या नया सीखा है? हमने मेडिकल फर्टिनिटी को क्या दिया है? हमने होम्योपैथी से क्या पाया है? होम्योपैथी ओवरऑल किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है? सच कहो, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं संतुष्ट नहीं हूं ओवरऑल होम्योपैथी की डेवलपमेंट से। हम में से जिस किसी को कोई थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, कुछ थोड़ा बहुत इलाज करना आ गया, वो उसको एक नई थ्योरी, एक नया प्रोपेगेंडा बना करके मार्केट में उतार देता है और हमारे जो यंग होम्योपैथ है वो पहले से कहीं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनका वो तरीका सच में अच्छा होता तो जो पिछले वर्षों में नई नई चीज़ें आई हैं उन्होंने क्रांति कर दी होती, नहीं हुई। दोस्तों, होम्योपैथी उस सवाल की तरह है, उस क्वेश्चन की तरह है, उस प्रॉब्लम की तरह है जिसको हल करनी आती है उसके लिए आसान है और जिसको हल नहीं करनी आती उसके लिए मुश्किल है। जो होम्योपैथी को अच्छे से करना जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है, और जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए वो ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। यानी कि होम्योपैथी को अगर आपने समझ लिया तो वो आसान है, नहीं समझा तो बड़ी मुश्किल है। समझने के लिए आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी जो हार्ड वर्क है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आपको उचित गाइडेंस मिल जाती है तो वो काम आसान हो जाता है। गाइडेंस देने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो सच में क्या दे रहा है, और नहीं कहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि वो सच में वो नहीं दे रहे जो उनके पास है। खैर, मैं तो सबको यही कहूंगा कि मेहनत खुद से करो, चीजें खुद से एक्सप्लोर करो, जो अवेलेबल लिटरेचर है उसमें से चीजों को निकालो। जो खुद मेहनत करोगे
तो ज्यादा कामयाब होंगे आप। दोस्तों, होम्योपैथी सिस्टम से सबसे आसान ठीक होने वाली बीमारी और सबसे मुश्किल ठीक होने वाली बीमारी, सभी तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो होम्योपैथी से ठीक नहीं होता। पिछले दिनों कोविड का इलाज हम में से बहुत लोगों ने बखूबी किया है। जब हमारे ट्रीटमेंट से कैंसर ठीक हो सकता है, साइकोलॉजिकल इलनेस ठीक हो सकती है, कोविड ठीक हो सकता है, तो बचा क्या? केवल और केवल राइट अप्रोच की जरूरत है। वो अप्रोच एक तरह का तरीका नहीं है, कोई आपको गाइडलाइन नहीं दे सकता। वो हर पेशेंट अलग पेशेंट है, हर पेशेंट के अंदर अलग अप्रोच आपको अप्लाई करनी है। निराश नहीं होना, सभी की सीखने की क्षमता, काम करने की क्षमता डिफरेंट हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। आज कुछ लोग बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं, बहुत लोगों का दुख दूर करते हैं। उनको देख के गर्व होता है कि यस, होम्योपैथी एंड होम्योपैथ कैन डू। सब लोग कर सकते हैं, मेहनत की ज़रूरत है, ईमानदारी से होम्योपैथी को फॉलो करने की ज़रूरत है, एक राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, होम्योपैथी का सम्मान करने की ज़रूरत है, अपनी वैल्यू लगाने की ज़रूरत है, सफल लोगों को देख के सीखने की ज़रूरत है, कमियों को नहीं देखना कि सिस्टम में क्या कमी, कॉलेजेस में क्या कमी, उस गुरु में ये कमी, उस गुरु में ये कमी। नहीं, आप केवल अपने आप को देखो और अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।